नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चिन्मय गौड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ वायलिन के जबरदस्त लेसन में। आज का लेसन बहुत ही जबरदस्त है, क्यों? क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन थीम म्यूजिक वायलिन पर। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लेसन को शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारा साथ यूं ही बना रहे तो जाइए, लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो आप तक सबसे पहले सही समय पर पहुंच जाए। मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, मेरे पास प सा में ट्यून्ड वायलिन है। अगर ट्यूनिंग की जानकारी नहीं, प सा क्या होता है उसकी जानकारी नहीं, तो ये सब मैंने पहले सिखाया है। आई बटन पे जाओ, क्लिक करो, देखो, सीखो। देख लिया तो एक और बार देख लो। अब आपने थीम म्यूजिक तो सुन रखा होगा, नहीं सुना तो मेरा रेफरेंस सुन लेना। वैसे मैं एक बहुत अच्छा कवर इसके ऊपर बनाने वाला हूँ मेरे नए वायोलिन के साथ और बांसुरी के साथ। ये जो मेरा नया वायलिन है बड़ा खास है, मेड इन इंडिया है और बहुत ही उम्दा तरीके से बना हुआ है। इसका रिव्यू करने वाला हूँ। अभी तक मैं उसको चेक कर रहा था कि अगर आप तक रिव्यू पहुँचाऊँ तो सही चीज़ का पहुँचाऊँ, ढंग से उसको देख लूँ, जांच लूँ, ठीक है। दोस्तों, मेरा एक लेसन था वायोलिन पे, मैंने कुछ दिनों पहले एक लेसन बनाया था माइनर स्केल के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाइए देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो लेसन बहुत काम का है ये सीखने के लिए और ऐसे बहुत सारे थीम म्यूजिक सीखने के लिए। तो अगर वो आपने अच्छे से सीख लिया तो आसानी से सीख भी पाएंगे और आपके हाथ भी चल पाएंगे, आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। तो जाओ देखो, सीख लो, लाइक करो, शेयर करो। तो दोस्तों, लेसन को शुरू करते हैं। पहली लाइन क्या है? पनी सा सा सारे ग ग ग म रे रे सा नी सा, ठीक है। पनी सा सा सारे ग ग ग म रे रे सा नी सा। नी कोमल है और ग कोमल है, ध्यान रखना, अच्छे से लगना चाहिए। पहले स्वरों को चेक कर लेना, फिर प्रैक्टिस करना। गलत स्वर के साथ प्रैक्टिस मत करना, नहीं तो सारी प्रैक्टिस बेकार चली जाएगी, ठीक है। सेकेंड लाइन भी यही है, इसको रिपीट कर देना है। तो दो बार कैसे होगा, किस फ्लो में होगा? पनी सा सा सारे ग ग ग म रे रे सा नी सा, पनी सा सा सारे ग ग ग म रे रे सा नी सा। समझ में आया? तीसरी लाइन, पनी सा 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 ग म म म प ध ध प म प सा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, पनी सा 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 ग म म म प ध ध प म प सा। फोर्थ लाइन, सारे ग ग म प सा सा ग रे रे ग सा रे, सारे ग ग म प सा सा ग रे रे ग सा रे। समझ गए? अभी यहां तक पूरा एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पनी सा सा सारे ग ग ग म रे रे सा नी सा सा, पनी सा सा सारे ग ग ग म रे रे सा नी सा, पनी सा 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 ग म म म प ध ध प म प सा सारे ग ग म प सा सा ग रे रे ग सा रे, ठीक है। फिर इसी को वापस दो बार रिपीट करना है, इस चारों लाइनों को दो बार प्ले करना है। चाहो तो आप सेम चीज जो है ऊपर वाले तार पे भी प्ले कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी फिर कि कुछ जो स्वर, जैसे ध है, अब इसमें तो हम ये ध ले रहे हैं, है ना, फिर आपको ध फिर सारे ग म प और ऊपर जाना पड़ेगा, दिखेगा नहीं। उसका तरीका भी है, लेकिन पहले इसको अच्छे से तैयार करो, सिखाऊंगा वो भी, ठीक है। यहाँ तक सुनो एक बार। अब बो को देखो, बो को कैसे चलानी है, कैसे कैसे चला सकते हो, जरूरी नहीं है ऐसे चलानी है। मैं अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से करता हूँ, आप देखो अपना, पर एक आइडिया ले लो आप। अब मैं आपको उसके और ऑर्नामेंटेशन सिखा रहा हूँ, इतना सीखा, ठीक है, इसमें और कैसे उसको ब्यूटीफाई कर सकते हो। लेकिन पहले बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना, ठीक है ना, बेसिक तैयार करना, फिर ये चीजें अप्लाई करना। तो पहले मैंने क्या किया, पनी सा सा जो है तो मैंने सा को ऐसे स्लाइड किया, देखो ये स्लाइड किया। अब मैं आपको ये दोनों एग्जांपल दूंगा, सिंपल बजाऊंगा तो कैसा इफेक्ट आएगा और स्लाइड के साथ में कैसा इफेक्ट आएगा।
पहले सिंपल। ठीक है, अब स्लाइड के साथ। देखो कैसे किया, पानी सा सा। कुछ कुछ जगहों पे बो का प्रेशर कम कर सकते हो। अगर सेम प्रेशर के साथ बजाओगे तो हो सकता है कि वो फीलिंग ना आए। फीलिंग आने के लिए कहीं कहीं हमको जहां पे रुक रहे हैं वहां पे विब्रेटो भी करना पड़ेगा। लो बताओ, विब्रेटो की जानकारी नहीं है? अरे तो विब्रेटो का जानकारी बताया तो था मैंने लेसन में, जाओ देखो सीखो। ठीक है, अभी सीखते हैं, आगे सीखते हैं। प प प ध प म म ग म प प प प ध प म ग र सा प प प ध प म म ग म प प प प ध प म ग र सा। तो ठीक है, अभी चाहो तो दो स्ट्रिंग्स को और इसको मान लो इसका और भी आपको इफेक्ट दिखाना है तो दो स्ट्रिंग्स को एक साथ बजाओ इस फ्रेज में। मतलब मैंने अपनी बो को ऐसा प्रेस किया कि ये तीसरा और ये वाला तार जो है एक साथ बज रहा है, तो कैसी आवाज निकलेगी? ठीक है, और बाकी का फ्रेज एकदम सॉफ्ट बो से बजाओ तो सुनना कैसा इफेक्ट आएगा। ठीक है, मेरी फिंगर्स भी देख लो ध्यान से। फिर ये मैंने ऐसे स्लाइड किया। ठीक है, जे प प प ध प म म ग म प, तो म से ये म की फिंगर को ही प पे ले गया। म ग र सा, समझ में आई मेरी बात? प प प ध प म म ग म, अब ये प को मैंने ऐसे लिया है, म म ग म प प प प ध प म ग र सा, और कम से कम म ग र सा में पूरा एक बोलो तो एकदम से वो डायनेमिक सुनने में अच्छा लगेगा कि एकदम से दो स्ट्रिंग एक साथ और फिर एकदम सॉफ्टली सॉफ्ट उसकी धुन। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे रेफरेंस को सुनना अच्छे से जो मैंने बजाया है। ठीक है, प प प ध प म म ग म प प प प ध प म ग र सा। अभी आगे, अब ये आगे वाला जो फ्रेज है वो एकदम शांत फ्रेज है ना, तो उसको वैसे ही बहुत सॉफ्टली बजाना है और जहां पे भी रुक रहे हो जिस भी नोट पे है ना एक दो सेकंड के लिए उसको ऐसे विब्रेटो करना है, थोड़ा सा इसको तिरछा करना तो अच्छी तरीके से विब्रेटो निकल जाएगा। स्पेशल ट्रिक है ये। सा रे ग म प म ग र ग म प म ग म प म ग र ग र सा रे नी सा। क्या लाइन है? सारे ग, अब इस ग को विब्रेटो करो ऐसे करके, सारे ग म प म ग र ग म प म ग म प म ग र ग र सा रे नी सा। ठीक है, फिर सेकंड लाइन, सारे ग म प म ग र ग म प म ग म प म ग र ग र सा रे नी सा। सारे ग र ग म प म ग सा। फिर सारे ग म प ध, फ्लो समझना, सारे ग म प ध सा म ग म रे सा रे नी सा म ग म रे सा रे नी सा म ग म रे सा रे नी। ठीक है, प ध प प प म म ग रे ग रे सा, प ध प प प म म ग रे ग रे सा। बीट्स आती है वहां पे, ड्रम्स आता है। ठीक है, बस ये इसका मेन थीम है।
इसको पहले बेसिक स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार करो, बेसिक पहले तैयार करो, और फिर जो मैंने आपको टिप्स दी है ऑर्नामेंटेशन करने की, फिर उसको अप्लाई करो। एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का भी काम नहीं है, ठीक है, समय लगेगा। आज थोड़ा बहुत सीखोगे, एक वीक में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा, फिर एक महीने बाद थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट आएगा, फिर एक साल बाद देखो कितना इम्प्रूवमेंट आएगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करना, जितने भी इंफॉर्मेशन आपने लिए उसको सही से अप्लाई करने का प्रैक्टिस करो, सही से अप्लाई करो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का क्या करोगे जब कुछ वो काम की नहीं होगी तो, और मिक्सअप हो जाएगा, समझ रहे हो ना। इतना सिखाया इसको ढंग से प्रैक्टिस करो, सिखाने को तो बहुत कुछ है इसके अंदर ही। तो बहुत जल्दी इसका कवर आएगा, बहुत ज़बरदस्त वाला, बहुत जल्दी नए वायलिन का रिव्यू भी आएगा, और बहुत सारे लेसन आपके लिए आएंगे, बहुत कुछ सिखाना है आपको। लेकिन सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा होगा, बहुत सुरीला होगा, ठीक है। मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, जय हिंद और जय भारत।